एंड वेलकम बैक टू किचन विंग्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पंजाबी स्टाइल कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी। बेसिकली कढ़ी जो है वो दो चीज से मिलके बनती है, बेसन और दही। ये इसके दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये एक ऐसी डिश है जो कि अलग अलग स्टाइल में बनती है, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं और इसका टेस्ट भी सब अलग अलग तरीके से ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे बनाते हैं। तो चलिए हम बनाएंगे इसे आज पंजाबी स्टाइल में। तो इसके लिए हमें चाहिए है, इसके लिए मैंने ये 1 कप बेसन लिया है और ये दही लिया है मैंने 250 ग्राम। इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफर कर दूंगी। दही आप कोशिश करें कि दही आपका खट्टा होना चाहिए और ये बेसन भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से विस्क करेंगे। इसको अच्छे से विस्क करना है, इसके जो भी बेसन के लंप्स हैं वो सब निकल जाएं। ये दही और बेसन हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे इसमें। ये मैंने 2 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। नेक्स्ट मैं इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करूंगी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और इस सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये सारे मसाले हमारे इसमें अच्छे से ऐड हो गए हैं और मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब मैं इसके अंदर 6 कप के करीब पानी ऐड करूंगी। ये पानी हमें इसमें इतना ऐड करना है क्योंकि अभी हम कढ़ी को बॉइल करेंगे तो ये थिक हो जाएगी, तो इसमें पानी काफी अच्छी क्वांटिटी में जाता है। अब जिस पॉट में हमें कढ़ी बनानी है उसमें मैं 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दूंगी और इसमें मैं 1/2 टीस्पून मेथी दाना लूंगी, 1/2 टीस्पून राई और 1 टीस्पून मैं इसमें जीरा लूंगी और ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा सॉटे होने देंगे। नेक्स्ट मैं इसमें 1/2 मैंने ये प्याज ली है, ये ऑमलेट कट है, ये इसमें ऐड कर देंगे, इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। दो हरी मिर्च ली है मैंने, इसे भी बारीक चॉप कर रखा है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे, इसको फ्राई करेंगे। ये प्याज हरी मिर्च हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब जो मैंने अपना दही बेसन और मसाले ऐड करके रखे थे उसको हम अच्छे से एक बार और विस्क करेंगे और उसको इसमें ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड कर देंगे, नमक ये 1 टीस्पून है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। कढ़ी में हम नमक जो होता है वो शुरू में ऐड नहीं करते हैं, उससे हमारी जो कढ़ी होती है वो उबल जाती है, इसलिए इसे हम जब बॉइल आ जाता है तब ऐड करते हैं। और अब मैं इसको लो टू मीडियम हीट पे 15 मिनट के लिए ऐसे ही कुक होने दूंगी। 15 मिनट हो गए हैं मेरी इस कढ़ी को पकते हुए और ये देखिए साइड में से ये अच्छे से कुक हो गई है और ये जो साइड में ये ऐसे चिपक रही है इसका मतलब है कि हमारी कढ़ी जो है वो डन हो गई है। अब इस स्टेज पे मैं अपना गैस फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे भी हम रखेंगे साइड में। तो हम आ जाते हैं अपने पकौड़े की रेसिपी देखने के लिए। इसके लिए मैंने 2 कप के करीब ये बेसन लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक बोल में और इसमें मैं पिंच ऑफ सोडा है, ये बेकिंग सोडा जो होता है ये इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी ली है और ये क्रश्ड वाला साबुत धनिया लिया है मैंने, इसे क्रश कर रखा है भूनकर। ये लेंगे हम 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही हम चिली फ्लेक्स लेंगे, इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट मैं इसके अंदर 1/2 कप के करीब ये चॉप्ड ओनियन ली है मैंने और ये हरा धनिया लिया है, ये हैंडफुल है और 2 हरी मिर्चें ली हैं, इसको मैंने बारीक चॉप कर रखा है। ये सब भी मैं अपने इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी और इसमें जाएगा पानी। इसका हमें एक बैटर रेडी करना है, इसमें मैं 1/2 कप के करीब पानी ऐड करूंगी अभी और पहले हम इसे चेक करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, इसको विस्क करेंगे। इसमें मैंने टोटल 1 कप पानी ऐड कर दिया है, इसकी कंसिस्टेंसी हमें गाढ़ी ही रखनी है, ज़्यादा पतला बैटर नहीं करेंगे हम। और अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। पकौड़े रेडी करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है
कड़ी बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल ज्यादा बेस्ट रहता है, इसमें इसका फ्लेवर ज्यादा अच्छा आता है, तो मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है ये। अब मैं इसमें अपने पकौड़े रेडी करूंगी, जो मैंने अपना बैटर रेडी किया था ये बेसन का, इसमें मैं पकौड़े ऐड करूंगी। आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं, बट मैं इसे स्पून से बना रही हूँ। ये पकौड़े हमारे एक साइड से हो गए हैं, अब मैं इसे टर्न कर दूंगी, दूसरी साइड से भी हम इसे ऐसे फ्राई कर लेंगे। इसी तरह मैं अपने सारे पकौड़े फ्राई कर लूंगी और फिर इसे प्लेट में निकाल लेंगे हम। ये पकौड़े सारे रेडी कर लिए हैं, अब इस साइड में रखेंगे और अब हम इसका एक तड़का रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं हाफ कप के करीब ऑयल ऐड कर दूंगी। ये मैंने 4 सूखी वाली लाल मिर्च ली है, ये इसमें ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून जीरा, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। 4 से 5 लहसुन की कलियां ली हैं, इसे चॉप कर रखा है, ये इसमें ऐड कर देंगे। एसाफोटिडा ली है मैंने, हींग, ये 1/2 टीस्पून है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम अपनी कड़ी में पकौड़ी ऐड कर देंगे। अब इसमें हरे धनिया से गार्निश कर देंगे इसे। अब हम इसमें अपना तड़का ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारी कड़ी पकौड़ा बनकर रेडी है, पंजाबी स्टाइल में। बिलीव इट, ये बहुत टेस्टी बनी है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो फॉर माई लेटेस्ट वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन, बाय बाय।